हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल बहुत अच्छी नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का तबीयत अभी ख़राब है जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और ये ब्लॉग जो है, इस ब्लॉग में मैं पहले ही बता दूँ, 2-3 दिन का ब्लॉग आप लोग को मिलने वाला है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तबीयत ख़राब थी उस टाइम में तो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैं मायके से आई थी, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और फिर उसके बाद मैं और हस्बैंड गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो तबीयत ख़राब थी इसलिए। और यहाँ पर उसके दूसरे दिन फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, फिर उसके दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हुई थी दुर्गा पूजा के आगे, ये तो वैसे 4-5 दिन पहले का ब्लॉग है, तो क्लीनिंग अभी हो चुकी है। तो हम दोनों सुबह से लगे हुए हैं, मतलब फाइनल बोले कि नहीं अब लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर क्लीन नहीं होगा। तो वही मैं हस्बैंड को बोली कि आप भी थोड़ा सा मदद कर दो, उनकी तबीयत तो मुझसे ज़्यादा ही ख़राब थी, फिर भी बोला कि चलो ठीक है लग जाते हूँ थोड़ा बहुत। मैंने बोला कि आप सिर्फ जाले वगैरह सब निकाल दो, अब मैं नीचे का करती हूँ, आप ऊपर साइड का करो। तो वही यहाँ पर चल रहा है, वो रूम का उन्होंने कर दिया और फिर वो बाहर बरामदे में कर रहे हैं। नीचे पार्ट का भी थोड़ा बहुत हो चुका है और थोड़ा बहुत वही पर्दे वगैरह धोना, चादर ये सब धोना है, तो वो तो होते रहेगा, पर ये क्लीनिंग वाले ही ज़्यादा टफ होती है। और अभी भी इस टाइम पे मुझे सर्दी मतलब बहुत हो रही है बहुत। तो बस ये जितने भी मेरे कवर वगैरह हैं उन सबको मैं निकाल रही हूँ, जाले वगैरह कोने कोने से मैं सारे जाले निकाल रही हूँ झाड़ू लेकर। और ये सब जितने भी हैं फूल वगैरह जो भी है सबको मैं धोऊँगी। तो फिलहाल पहले जाले वगैरह निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर ये सबको निकाल निकाल के एक साइड में रखूँगी, धोऊँगी। सारे पर्दे भी खिड़की वगैरह के सब निकाल दिए हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। तो जो भी है जहाँ भी दिख रहा है धूल वगैरह, और बहुत दिन से मतलब क्लीनिंग मैंने किया नहीं था जिसके कारण बहुत अधिक हो गई है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है करते हैं, फिर हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मायके गई, ये सब में करते करते टाइम पूरा मतलब नज़दीक आ चुका है पूजा। तो इस टाइम पे जिस टाइम पे एडिट कर रही हूँ उस टाइम हो चुका है, हाँ देख रहे हो। और इस रेक का भी जो भी कपड़े हैं जो भी चीज़ें हैं सबको निकाल रही हूँ और धूल वगैरह सब झाड़ रही हूँ। और इन सबको भी मैं धोऊँगी, जितने टेडी हैं फ्लावर हैं जो भी दिख रहे हैं ना, इन सबको मैं धोऊँगी सर्फ पानी में डुबा कर, मतलब अच्छे से पानी से सबको क्लीन करूँगी। तो इसको भी सारा मैं निकाल देती हूँ। और बस हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर रही कि क्लीनिंग करूं, क्योंकि क्लीनिंग करने का मतलब है सारी चीज़ों को धोना पोछना करना, सिर्फ झाड़ना तो नहीं होता कि झाड़ दिया और हो गया, नीचे भी है झाड़ू पोछा सब कुछ होता है। तो इस रेक का भी जितने फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे सबको मैंने देख सकते हो अब मैंने खाली कर दिया है, और नीचे में सिर्फ कुछ मेरे कॉस्मेटिक हेयर ऑयल वो सब रखे हैं। और यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम जो भी होता है ना मैं प्लास्टिक में कवर करके लगाती हूँ, ताकि जब भी गंदा हो मैं प्लास्टिक कवर उसको मतलब धो दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सारी ऊपर की जाले वगैरह जितने भी हैं सबको निकाल दिया और साफ साफ लग रहा है। सच में मेहनत लगती है पर अच्छा भी लगता है, और पूजा के पहले तो क्लीनिंग करना ज़रूरी है। तो हस्बैंड ने अपना सारा काम यहाँ पर कर दिया है, सारे जाले वगैरह सबको निकाल दिया, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे जो सीढ़ियाँ हैं ना, ऊपर की सीढ़ियाँ भी नीचे और नीचे पूरा में जाले ही जाले गिरे हुए हैं। तो सबको मुझे अब मेरी बारी हो गई है, अब मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ इसमें लगाऊंगी। तो हस्बैंड ने बहुत हेल्प कर दिया, और बस ये पर्दा रह गया था बाहर वाला, तो मैंने कोशिश किया कि मैं खड़े खड़े निकाल लूँ पर मुझसे हुआ नहीं। तो फाइनली ये चेयर लिया है और चेयर पर चढ़ के फिर इसको मैं खोलूँगी। तो पर्दे वगैरह भी सब धोऊंगी, आज सारे काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक दिन में थक जाऊंगी करने में। कपड़े वगैरह जितने भी सबको रख दूंगी, उसको कल धोना होगा, आज सिर्फ झाड़ना पोछना झाड़ू लगाना धूल डस्टिंग ये सब ही करूंगी। तो पर्दे निकाल दिया, और पर्दे वगैरह हट जाने से घर कितना खाली खाली लगता है ना, अजीब सा ही लगता है। तो बस ये सब करने के बाद झाड़ू पोछा सब किया और नहाकर मैं आ चुकी हूँ। कपड़े वगैरह नहीं धोया, जितने भी धुलने वाले चीज़ थे मैंने सब साइड करके रख दिया, उसको धोया नहीं, सिर्फ वही धूल जितने धूल मिट्टी ये सब थे उसको चादर वगैरह सब चेंज कर दिया है। और बस शैम्पू करके आ गई हूँ क्योंकि सफाई करो तो बस सिर में तो गंदा होना ही है, तो शैम्पू कर लिया है और बस अपना यहाँ पर स्किन केयर कर रही हूँ। और सिर्फ अगर क्लीनिंग का काम हो तो सारे दिन में आदमी कर सकता है, पर साथ में और भी काम होता है, अपना पर्सनल काम होता है, घर का काम होता है, खाना बनाना होता है। तो वही मैं आ गई हूँ, खाना मतलब नहा धोकर आ गई थी खाना बनाने के लिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर मिल रही हूँ रात को डायरेक्ट। अब नेक्स्ट डे उस दिन भी नहीं, सुबह नेक्स्ट डे के सुबह भी नहीं,
शाम को मिल रही हूँ। तो आज है जो अमावस्या है और माहल्या है, तो उस दिन का ये ब्लॉग है। तो काली पूजा मतलब अमावस्या के दिन हमारे गांव में काली पूजा होती है। तो और ये मैं दिखा रही हूँ कि सब कुछ मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जो क्लीनिंग किया था वैसे भी सब रखा हुआ है, पर्दे वगैरह इन सबको अरेंज करना है, घरों को थोड़ा सजाना है, वो सब करना बाकी है, क्लीनिंग वाली सब हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ये साड़ी पहन लिया है और अमावस्या है, माहल्या है, तो गांव में काली मंदिर है तो वहाँ पूजा होती है, उसी में हम लोग जा रहे हैं। हर अमावस्या क्यों जाती हूँ, बहुत बार मैंने ब्लॉग शेयर किया है कि हमारे गांव में जो है काली मंदिर है, वहीं पर पूजा होती है हर अमावस्या के दिन, तो वहीं हमें जा रहे हो। तो हम लोग जा ही जा रहे हैं, मैं, हस्बैंड और अबीर जा रहे हैं बाइक से, मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और बहुत बार तो शेयर किया है ब्लॉग, तो चलिए जो भी होगा दिखाती हूँ। और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और मंदिर में पूजा स्टार्ट हो गई थी। अभी हम लोग रात 8 बज गए थे, और देख सकते हो पूरा जो मंदिर का ये बरांडा है, ये मतलब पहले खुला हुआ था और अभी ना काम चल रहा है, मतलब ये छत बन रही है। और ये है मंदिर, हम माँ काली का मंदिर, देख सकते हो आप, अब भी दर्शन कर लो। मेरे आने के बाद करीब 1 घंटे पूजा चली थी, फिर आरती हुआ, और यहाँ पर आरती लेने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं प्रसाद खाने के लिए, अपनी लाइन में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ना प्रसाद खिलाया जाता है हर अमावस्या के दिन, जितने भी लोग आए, आप लोगों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी लोगों की संख्या, और ये बहुत बड़ा मैदान है, तो यहाँ पर नीचे बैठ कर सब प्रसाद लेते हैं। तो हम लोग भी बैठ चुके हैं लाइन में। तो सबसे पहले ये मेन जो प्रसाद लगता है, माँ को पूजा होता है, फल वगैरह जो प्रसाद होता है वो मिलती है, मिलता तो बहुत भी है लेकिन लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बर्बाद क्यों करना, प्रसाद थोड़ा ही बहुत है। और उसके बाद जो भी खाने वाला प्रसाद बनता है वो बना, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हम लोग खा चुके हैं, और प्रसाद कैसा भी हो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है कभी बीच बीच में आना। तो फिर हम लोग घर आ गए थे, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे ही आपसे मिल रही हूँ दोपहर के टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3:30 शायद टाइम बज रहा है, आप देख रहे हो। और हमारा कहीं जाने का प्लान मतलब बना था, मतलब जाना था, ये पता था कि जाना है, पर आज जाएंगे वो भी फिर 50-50 ही हो रहा था, क्योंकि फिर क्योंकि हस्बैंड गए थे दादाजी को फिर से डॉक्टर को चेकअप करने के लिए। तो ये है संडे के दिन का ब्लॉग है, ये संडे, हाँ संडे था, और दोपहर का टाइम है। और वही पहले हुआ कि अगर टाइम पे आ गए तो ही हम लोग जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये वाला सूट मैंने पहना है, बहुत ही अच्छा सूट लगता है, ये हस्बैंड के पसंद का, और सच में ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, कलर भी बहुत अच्छा लगता है, फिटिंग अच्छी लगती है, थोड़ा सा सोबर मतलब अच्छा ना देखने में ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ भी मैं, हस्बैंड और अबीर ही जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग घर से निकल चुके हैं, और हस्बैंड गए हैं अभी मिठाई, हाँ हस्बैंड अभी गए हैं मिठाई लेने के लिए, और बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ये सब चॉकलेट वगैरह लेने के लिए। तो सामने मिठाई की दुकान है, वहाँ ले लेते हैं, और बस फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। पीछे अबीर बैठा हुआ है, वो बहुत खुश है अपने दादा से मिलने के लिए, अपने छोटे भाई से मिलने के लिए, पहली बार हम लोग मिलेंगे। तो चलिए जैसा भी होगा मैं देखूंगी ब्लॉग बनाकर, ठीक है, ठीक है। और वही मेरी देवरानी आई हुई है, वो रांची में रहते हैं, तो वो लोग आए हुए हैं अभी, वो अपनी मायके गई है, जिस दिन मैं अपने मायके गई थी उसी दिन वो आई थी, तो फिर उनसे वेट नहीं हो पाया था, और बच्चों के लिए शॉपिंग भी किया था हम लोगों ने। तो वही जा रहे हैं हम लोग कपड़े देने के लिए, आज पहली नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएँ और सबकी मनोकामना पूरा करें। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा आपको मेरी बातों से लगा कि हम लोग जा रहे हैं मेरी देवरानी के मायके, मेरे देवर और देवरानी बाहर रांची में रहते हैं, तो वो लोग दुर्गा पूजा मतलब आए हैं, मेरे देवर तो आए वो चले गए मेरे देवरानी को पहुंचा कर। तो जिस दिन मैं अपने मायके गई थी ना उसी दिन वो लोग आए थे यहाँ भी, तो उस दिन भेंट नहीं हो पाया था, मेरा ज़रूरी काम था, मैं चली गई थी। तो वही बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिया है, और जो हमारे घर में न्यू बेबी हुआ है, मेरे देवरानी को फिर से बेटा हुआ है, एक बेटा पहले से है और फिर से हुआ है, तो हम लोग ने नहीं देखा था, तो उनसे मिलने के लिए उस मेरी देवरानी के मायके आए हुए हैं।
तो पहुंच चुके हैं। उनके घर के बाहर ही दुर्गा मंदिर है जो कि बहुत ही यहाँ पर धूमधाम से पूजा होती है, इसलिए वो लोग आए हैं। तो ये रहा हमारे घर का छोटा सा नया मेंबर जो कि 3 महीने पहले आया है इस दुनिया में। और इस आज जिस दिन मैं गई थी उस दिन 14 जुलाई मतलब 14 अक्टूबर को, ये पूरे 3 महीने का हो चुका है। और 3 महीने में पहली बार हम लोग यहाँ पर मतलब मिले हैं, क्योंकि वो लोग रांची में थे और रांची में जब जन्म हुआ था तब मम्मी पापा गए थे, हम लोग नहीं गए थे। तो इन्हें स्पेशली इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये है, तो देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है और बहुत इन्जॉय कर रहा है। और इनको मतलब जो बेबी है ना, वो जो भी है वो मतलब उसे ऐसे खड़े करके रहो तो बहुत अच्छे से रहता है, अगर गोद में लो तो वह नहीं रहता है। तो वही यहाँ पर बातें हो रही थी। तो ये है हमारे घर का नया न्यू फैमिली मेम्बर। तो बस हम लोग वहाँ करीब 1-2 घंटे वहाँ थे, तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग फिर मतलब मैं भूल भी गई बनाना, और बस वहाँ से चाय नाश्ता वे वगैरह करके हम लोग अब निकल चुके हैं। पहले तो वो बहुत जिद कर रहे थे, जो पापा है मेरी देवरानी के मम्मी पापा, वो बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं रह जाओ, आज रात रह जाओ, कल सुबह चले जाना। मैंने बोला नहीं, फिर वही यार जाना तो है ही, फिर सुबह सबकी ड्यूटी है, अबीर का स्कूल है, ये सब है, तो सुबह फिर निकलना नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएगा। हम लोग फिर चले जाएंगे, फिर कभी आएंगे तो फिर हम लोग अच्छे से पूरी रात रहेंगे, कोई बात नहीं। लोग बहुत जिद कर रहे थे, ख़राब भी लग रहा था, और अबीर का भी मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि उसका मन नहीं भरा ना इसलिए। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, हम लोगों ने कुछ फास्ट फूड ही खाया, अबीर को चाउमीन खिलाया, यहाँ देखे बैठा हुआ है, दिख रहा है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। तो अब हम आ चुके हैं चाय पीने के लिए, और यहाँ आए और तंदूरी चाय ना पिए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हस्बैंड गए हैं चाय लाने के लिए रोड के उस साइड में, मैंने बोला आप ही जाओ लेकर आओ, मैं अब नहीं उतरूँगी, अभी रात के 9 बज चुके हैं, अब चाय पियेंगे और सीधा हम लोग घर जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहे हस्बैंड जो मेरे लिए भी चाय लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग बस चाय पियेंगे, और खाया तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि वहाँ हैवी थोड़ा नाश्ता हो गया था, हल्का फुल्का ही अबीर के लिए उतरे थे कि हल्का फुल्का खा लूँ, वही चाउमीन से मैंने भी थोड़ा सा खाया और अबीर को भी खिलाया, और हस्बैंड ने भी बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया। और बस यहाँ पे तंदूरी चाय बहुत अच्छी मिलती है, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ चाय हम लोग पीते हैं। और यहाँ सिवड़ी जब भी मैं आती हूँ, आप लोग में देखा होगा लास्ट टाइम घर जाने के टाइम में, हम लोग ये वाली तंदूरी चाय पीते ही हैं। तंदूरी चाय क्या, प्लेन भी चाय यहाँ भी जो मिलती है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो तो हम लोग को पीना है क्योंकि हम लोग तो चाय लवर हैं ही। तो बस यहीं पे ब्लॉग का एंड होता है। आई होप मेरी ब्लॉग आप लोग को पसंद आई है, और थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।